नमस्कार, मानस मिश्र ऑल इंडिया नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सोनिया गांधी एंड कंपनी ने जिस तरह से साजिश रची थी, उसमें चाहे वो तीसरा तलवार हो या कोई भी हो, जिन लोगों ने मिल करके प्रधानमंत्री को, समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे वो गुजरात के, जो साजिश रची थी उस पर आज अब आपको सुप्रीम कोर्ट का एक धमाका दिखाने जा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में 44,445 शपथ पत्र, जी हाँ, ये शपथ पत्र है जो दाखिल किए गए, और शपथ पत्र एक दो नहीं, इतने शपथ पत्र आखिरकार गोधरा पर, जी कौन सा बड़ा कांड है, कुछ देर रुकिए आपको समझ में आ जाएगा। सोनिया मनमोहन इसमें लपेटे में है, आपको दिखेगा आखिरकार किस तरह से ये पूरा दुष्प्रचार तंत्र तैयार किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उल्टा कैसे फंस गए ये फंसाने वाले, चाहे तीस्ता हो या सोनिया गांधी हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। नागरिकता संशोधन बिल पर कोई राजनीतिक दल जो है वो पार्टियां दुष्प्रचार कर रही थी, लेकिन आपको बता दें 17 वर्ष से 20 वर्ष से पुराने जो दुष्प्रचार चलता रहा उस पर अब ब्रेक लग गया है। गुजरात की नानावती मेहता आयोग ने 2002 के गुजरात दंगे मामलों में उस समय के तत्कालीन गुजरात के सरकार को जब क्लीन चिट दिया तो आयोग ने माना कि उन दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तीन मंत्री अशोक भट्ट, भरत बारोट और हरेन पांड्या का रोल नहीं था। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्लीन चिट पाने के लिए उन्हें भी देश की कानून व्यवस्था के सामने वर्षों इंतजार करना पड़ा। और सोनिया गांधी को आज भी अगर थोड़ा सा ईडी बुला लेती है तो पूरे सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो जाता है, कांग्रेसी सड़कों पर लौटने लगते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता आप जानते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस आयोग के सामने अपना बयान दिया था 11 दिसंबर को गुजरात के विधानसभा में, जस्टिस जीएसटी नानावटी के और जस्टिस अध्यक्ष मेहता, माफ कीजिएगा, जस्टिस अक्षय मेहता, आयोग की 2,500 पन्नों की जांच रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान गुजरात में गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने विधानसभा को बताया कि रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए गए थे। इस आयोग का गठन 2002 के गुजरात दंगों के बाद किया गया था। अब जब इतने वर्ष बीत गए तो इस मामले पर अंतिम रिपोर्ट पूरे देश के जब सामने आई तो वो कहीं ना कहीं सनसनीखेज खुलासे, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए सोनिया और तीसरा जैसे लोगों का सबसे बड़ी चाल थी। अब आखिर आरोप क्या लगाए थे वो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे पहला आरोप था कि उन्होंने गोधरा के बाद गुजरात में मुसलमानों पर हुई हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की थी। आयोग ने इस आरोप को गलत बताया और कहा कि इन दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था। दूसरा आरोप यह था कि दंगों के वक्त अहमदाबाद में सेना की तैनाती को लेकर तत्कालीन राज्य सरकार ने जानबूझकर देरी की थी। आयोग ने इसको भी गलत ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कम वक्त में सेना को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी। तीसरा आरोप यह था कि नरेंद्र मोदी सबूत नष्ट करने के मकसद से साबरमती एक्सप्रेस का S6 कोच देखने गए थे और उनकी निजी यात्रा थी, जबकि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि मोदी आधिकारिक यात्रा पर S6 कोच को देखने गए थे, उनका मकसद सबूत नष्ट करने का नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौथे आरोप लगे थे जिसका आधार था कि तत्कालीन DGP RB श्रीकुमार का वो आरोप जिसमें उन्होंने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अफसरों को मौखिक रूप से गैर कानूनी आदेश दिए थे, लेकिन RB श्रीकुमार इसको लेकर आयोग के सामने कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए। आयोग ने माना कि वो RB श्रीकुमार ने ये उन पर अब विभागीय कार्रवाई होने के डर से आरोप लगाए थे। पांचवा आरोप ये था कि वर्ष 2002 के अप्रैल और मई महीने में भी गुजरात के कई जिलों में दंगे होते रहे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस वजह से लगातार हिंसा होती रही, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए, लेकिन आयोग ने इस रिपोर्ट में इस आरोप को भी गलत बताया। आयोग का कहना है कि हिंसा को रोकने के लिए पुलिस इसलिए
नाकामयाब हुई क्योंकि राज्य में पर्याप्त संख्या पुलिस बल मौजूद नहीं है। आयोग को इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला कि पुलिस ने जानबूझकर दंगे भड़कने दिए। आयोग ने पुलिस द्वारा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आरोप को भी गलत माना। आयोग के मुताबिक जिन पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी पर लापरवाही की थी उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। आयोग ने अपनी जांच में माना कि पुलिस बल के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे जिसकी वजह से कई इलाकों में हिंसा नहीं रोकी जा सकी। छठा आरोप यह था कि तत्कालीन राज्य सरकार के कई मंत्री हिंसा भड़काने में शामिल थे। आयोग ने माना कि गुजरात दंगा गोधरा कांड का परिणाम था। गोधरा की वजह से गुजरात में हिंदू समुदाय का एक बड़ा हिस्सा काफी नाराज था और उनमें से कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में शामिल भी थे। लेकिन आयोग को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि हिंसा भड़काने में गुजरात सरकार के किसी मंत्री का भी हाथ था। इसी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी की कि गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाने वाले तीन प्रमुख अफसरों आरबी श्री कुमार संजीव भट्ट राहुल शर्मा की नकारात्मक भूमिका के सबूत भी मिले हैं। इससे पहले 2008 में जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर जो एसआईटी बनाई थी उसमें भी गुलबर्ग सोसाइटी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। मीडिया का भूमिका पर भी सवाल यहां पर उठे थे जहां नानावती मेहता आयोग ने गुजरात दंगों के दौरान मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। आयोग ने कहा था कि पुलिस और कई लोगों ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि गोधरा और उसके बाद हुई गुजरात हिंसा को मीडिया कवरेज ने और ज्यादा भड़काने का काम किया। मीडिया की छपी कुछ खबरों को देखकर लोगों को रोककर सांप्रदायिक हिंसा में शामिल हो गए। आयोग ने उस वक्त भी राज्य के खुफिया विभाग के प्रमुख जो रहे बी श्री कुमार के शपथ पत्र का भी हवाला दिया है। इस हलफनामे में कहा गया था कि उस वक्त सनसनीखेज तरीके से की जा रही लाइव रिपोर्टिंग ने भी हिंसा भड़काने का काम किया। भावनगर जिले के तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा ने आयोग को बताया कि एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के बाद उनके जिले में हिंसा भड़क गई थी। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दंगों के दौरान जाने वाली रिपोर्टिंग कुछ हद तक लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि मीडिया की जिम्मेदारी से काम कर सके। रिपोर्ट के अंत में आयोग ने कहा कि मीडिया को यह समझना चाहिए कि ऐसे मुश्किल हालात में बढ़ा चढ़ाकर की गई रिपोर्टिंग ज्यादा हिंसा भड़क सकती है। आयोग ने संबंधित विभागों को भी निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि मीडिया ऐसे माहौल में नियंत्रित होकर अपना काम करे और अगर ऐसे वक्त भी मीडिया अपनी सीमाएं लांघता है तो फिर मीडिया के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी दंगे भड़काने में मीडिया की भी अप्रत्यक्ष भूमिका थी। मीडिया का एक हिस्सा का इरादा दुष्प्रचार करना था या नहीं तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक एजेंडे के तहत कई की गई पत्रकारिता ने न सिर्फ एक राज्य के कई दिनों तक दंगों के आग झोंक कर रखा बल्कि एक ऐसे दुष्प्रचार को जन्म दिया जिसके जरिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरे देश की छवि खराब किया और दो समुदायों के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। आयोग ने यह भी माना कि गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा की बड़ी वजह हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ तबकों में एक दूसरे के प्रति नफरत थी। आयोग की रिपोर्ट का आधार 44,445 शपथ पत्र है। इसके अलावा 488 अधिकारियों का पुलिस अधिकारियों का शपथ पत्र भी शामिल है। जस्टिस जीटी नाथावती और जस्टिस अक्षय मेहता की 2,500 पन्नों की रिपोर्ट उस दुष्प्रचार की पोल खोलती है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को दाग लगाने की कोशिश पिछले 20 वर्षों से ज्यादा की गई। साफ है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाया, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से गुजरात दंगों के नाम पर उन्हें बार बार बदनाम करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया, यह सिलसिला गुजरात दंगों के बाद में भी शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी को 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन देश की राजनीति में सबसे बड़ा भूकंप 2002 में आया था जब गुजरात दंगों की आग जलने लगा। इन दंगों में 1,000 से अधिक ज्यादा लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा कि अगर वो चाहते तो दंगे रोक सकते थे। ये भी विडंबना है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री है, लेकिन 2002 को छोड़कर
उनके शासनकाल में कभी कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन उनके विरोधियों ने 2002 के दंगे का मुद्दा कभी हाथ से जाने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को लेकर दुष्प्रचार का सिलसिला 2002 के बाद शुरू हो गया था, लेकिन 2007 तक आते आते उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाने लगी। वर्ष 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौगागर कह दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर, मनीष तिवारी, वीके हरिप्रसाद और दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पिछले 22 वर्षों के दौरान मोदी पर कई बड़े हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की सूची सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि मीडिया का बड़ा हिस्सा भी शामिल रहा। मीडिया के हिस्से ने प्रधानमंत्री मोदी को बार बार गुजरात के खलनायक के तौर पर दिखाने की कोशिश की। डिजाइनर पत्रकारों ने विदेशी मीडिया के हिस्से के साथ गठबंधन कर लिया और ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने के जोर शोर से अपना एजेंडा चलाने लगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ विरोधी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे बल्कि मोदी विरोधी इस गठबंधन के मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा था। अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज, कथित तौर पर बुद्धिजीवी, अवार्ड वापसी गैंग और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच रखने वाले छात्र नेता भी इसमें शामिल थे। लेकिन आज नानावती मेहता आयोग ने जो मोदी विरोधी गिरोह को आईना दिखाया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन पर फेंके गए पत्थरों से भी अपना घर बना लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक नेता है, लेकिन पिछले 20-22 सालों से एक नाम उनका गुजरात दंगों से जोड़कर उन्हें ठेस पहुंचाई गई। राजनीतिक रूप से उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 27 मार्च 2010 को गुजरात दंगों की जाँच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT कि करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। SIT ने पूछताछ के बाद नरेंद्र मोदी को मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि वो हर जांच और कानूनी प्रक्रिया की मदद करेंगे। आरोप मुक्त होने के बावजूद कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों का सबसे बड़ा विलन बनाती है, लेकिन देश में हुए बड़े दंगों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को समझाना भी जरूरी है। आजादी के बाद सांप्रदायिक दंगों का इतिहास देखें, 1967 से अब तक 18 बड़े दंगे हो चुके हैं, जिसमें 10 सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए, 4 सांप्रदायिक दंगे अन्य दलों के शासनकाल में हुए, 3 राष्ट्रपति शासन के दौरान हुए और सिर्फ एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा 2002 में गुजरात में हुआ जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। इतना ही नहीं, पिछले 70 सालों में देश में सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा न कांग्रेस के शासन में हुआ बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर इसके आयोजित करने का आरोप भी लगा। वो वर्ष 1984 में हुए सिख दंगे से दिल्ली के करीब 3,000 लोगों की जान चली गई थी। कुल मिलाकर कांग्रेस शासनकाल में हुए 10 बड़े दंगों में 7800 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, लेकिन कांग्रेस आज भी गलतियां मानने के बजाय उसे छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगाती है। अब इन सबके बीच आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री पर दुष्प्रचार करने के लिए किस तरह से कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन हमेशा से वो फेल रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कम से कम 10 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अगर आपको कमेंट कंटेंट पसंद आए हो तो कम से कम गूगल पे पेटीएम के माध्यम से सहायता राशि भेजकर हमारी मदद, आर्थिक मदद जरूर करें। बने रहे ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।